हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई एम सुमित, अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अराउंड 20 वैकेंसीज है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ कंपनी सेक्रेटरी के लिए, जो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है और मेंबर है ICSI के। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो और आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जोरों शोरों से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों यारों में। मैं इसी तरीके से काफी अच्छी अच्छी वैकेंसीज हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, कंपनी सेक्रेटरी के लिए, CA के लिए, लॉयर्स के लिए अच्छी अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन और डिटेल मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपके लिए लाता हूँ हमेशा। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। चलो बात करते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के बारे में। ये एक बॉडी क्रिएट की गई है MCA द्वारा अंडर द कंपनी सेक्ट। यहाँ पे अराउंड 20 क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी है, आज ही अनाउंसमेंट किया है। तो अप्लाई कैसे करना, रिक्वायरमेंट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या मिलने वाला है और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन वीडियो में बने रहिए। क्वालिफिकेशन है CS कंपनी सेक्रेटरी एंड एक्सपीरियंस है अप टू 2 ईयर्स, लेकिन इसकी भी क्राइटेरिया अलग अलग है, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ वैकेंसी 20, क्वालिफिकेशन CS एसोसिएट मेंबर ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करता हूँ तो एक्सपीरियंस 1 ईयर से लेकर 2 साल तक का एक्सपीरियंस वो मांग रहे हैं। सैलरी रिक्वायरमेंट, अगर आपका एक्सपीरियंस अप टू 1 ईयर है तो 33,000 रुपीज पर मंथ सैलरी रह सकती है। 1 साल के ऊपर लेकिन 2 साल के नीचे आपका एक्सपीरियंस है तो 36,500 रुपीज सैलरी है, और 2 साल के ऊपर अगर आपका एक्सपीरियंस है तो 40,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलता है आपको। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 8 नवंबर 2021 5 PM इवनिंग, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जॉब लोकेशन विल बी न्यू दिल्ली, जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली रहने वाला है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन या JD क्या रहने वाला है, आपको असिस्ट करना है अथॉरिटी को IEPF को इन डिस्चार्जिंग इट्स ऑफिशियल फंक्शन असाइन टू इट अंडर द कंपनीज एक्ट। वैकेंसी काफी अच्छी है, अगर आप यंग प्रोफेशनल हो और आपको 1 साल से लेकर 2 साल तक का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी अच्छी साबित हो सकती है। लोकेशन दिल्ली है, यस। सैलरी थोड़ा कंपेरेटिवली कम है आप लोगों के लिए, बट नहीं से तो काफी सही है। दिल्ली में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो काफी बेहतर अपॉर्चुनिटी है ये, इसमें लर्निंग भी अच्छी खासी मिलती है आपको। अब कुछ मिल नहीं रहा तो ज्वाइन कर देना चाहिए, और इम्पोर्टेंट जो चीज मैंने आपको नहीं बताई है, यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होने वाला है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, यस कॉन्ट्रेक्चुअल है और टेम्पररी रिक्रूटमेंट है ये। आपका पीरियड टेम्पररी रहने वाला है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करता हूँ तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, मैंने अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन, वीडियो के इस डिस्क्रिप्शन में वैकेंसी की डिटेल शेयर किया है और लिंक भी शेयर किया है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आप ICSI की वेबसाइट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करता हूँ, और एक अगेन आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दैट्स इट, थैंक यू।